देखिए नागरिक ये जो संहिता बिल पास हुआ है ये देश की आज़ादी में ये भी एक अहम पड़ाव है। 70 साल के इतिहास में जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय कट ऑफ डेट तय नहीं होनी चाहिए थी 48 की, और इस दर्द को, करोड़ों लोगों के दर्द को मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने समझा है। और जो शरणार्थी वहाँ दुख पा रहे थे, अल्पसंख्यक थे अपने देश में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इस 6 कम्युनिटी के लिए जो वहाँ प्रताड़ित थे, दुखी थे, धर्म के आधार पर जिनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसे लोगों को शरणार्थी के रूप में भारत शरण देने के लिए तैयार है, इसके लिए ये बिल है। पहले 11 वर्ष कम से कम न्यूनतम भारतवर्ष में रहना अनिवार्य था, उसको घटाकर 6 वर्ष किया गया है, और मैं मानता हूँ कि देश के इतिहास में इसको एक बड़े फैसले के रूप में दर्ज किया जाएगा। मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, यह विपक्षी पार्टी द्वारा चलाया गया एक प्रयास है, कुछ गुमराह किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी वासिंदों को, विशेष रूप से मुस्लिमों को, विशेष रूप से आसाम के लोगों को जो भ्रमित हैं, उनको यह, उनकी आशंका आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट की दूर की है कि भाई किसी की भी नागरिकता लेने का प्रश्न है ही नहीं इस बिल में, हम तो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह मानता हूँ कि यह अल्पसंख्यकों के लिए है। अब अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो अल्पसंख्यक यही 6 समुदाय हैं, मुस्लिम तो है नहीं, और मुस्लिमों को वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए उनकी बहन बेटी की रक्षा के लिए और उनके धर्म की रक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। और इसमें अघोषित रूप से, अवैध रूप से जो लोग डर के छुप के रह रहे थे, वो भी अपनी आइडेंटिटी निश्चित रूप से खुलकर के सामने लाएंगे, और इससे भारत का विकास तेज बनेगा और वो भी उसमें सहभागी बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए लोकसभा में और राज्यसभा में कल यह बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति के पास ये जाएगा, उनके हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद ये कानून के रूप में इस देश में बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि जो बड़े उनके 5 बिंदु थे जनसंघ के टाइम से, सन 1951 से, उसमें से 4 बिंदुओं को उन्होंने इस मोदी सरकार 2, एनडीए सरकार 2 में हासिल किया है। हमने जो वादा किया जनता से, हमारे घोषणा पत्र में पिछले अनेक वर्षों से हम हर चुनाव से पहले इसको करते आए हैं, निश्चित रूप से जनता से किया हुआ घोषणा और वायदा हमने निभाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि ये एक अखंड भारत बनाने में मदद करेगा। देश को फायदा ही फायदा है ना, और सबसे बड़ी बात फायदा नफा नुकसान की भी नहीं है, फायदा नफा नुकसान से ऊपर उठकर इंसानियत है ना। और वो इंसानियत, वो अभी एक बात बताइए, इस्लाम, अगर कोई क्रिश्चियन वैसे कहीं प्रताड़ित होता तो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, आपको पता है अगर कहीं मुस्लिमों में भेदभाव होता है तो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं, पर कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर ये हिंदू, जहाँ ये पारसी, जहाँ सिख, जहाँ जैन वो शरणागत हो सके। सिर्फ भारतवर्ष ही एक ऐसा देश था, और इसलिए अगर हम अपने भाइयों की पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, इसलिए सरकार ने ये कड़ा और ये बड़ा फैसला लिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इसका वेलकम करेगा।